बिसम अल्लाम एवरी वन माई नेम इज़ मोहम्मद जक्रिया आमिर एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स इन दी एस एस पर्परेशन जर्नी थोड़ा सा मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पहले अपना तारफ़ कराता चलूँ आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्राम द नास्ट बिजनेस स्कूल और इसके अलावा मैं बिज़नेस स्टडीज़ जो हैं इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ पिछले तकरीबन छः से सात सालों से पढ़ा रहा हूँ और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बारे में अगेन हम बाद में आएंगे बड ओवर लाइक फाइव टू सिक्स ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ़ दी को फाउंडर्स हेर आट लर्न राइट नाव तो ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग पढ़ रहे हैं और ये सारा कोर्स देख रहे हैं तो so, ये भी एक हमारा इनिशियटिव है जिसके थ्रू हमारा बेसिकली मकसद यही है कि यू नो दूर दराज के इलाकों में भी और इवन जो लोग शहरों के अंदर भी हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन रिसोसेस एक स्ट्रक्चर तरीके से कराया जाए सो so, ये बताने का मकसद आपको ये था कि सिंस दिस इज़ अ बिजनेस एज वेल राइट तो इसके अंदर भी हम लोग ऑपरेशन एच आर मैनेजमेंट मार्केटिंग सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हम में बहुत मज़ा आएगा ये कोर्स करते हुए भी और अब हम थोड़ा सा जाते हैं डायरेक्टली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेदर यू शुड चूज़ बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन एज वन ऑफ़ यप्शनल्स अपनी सी की जर्नी में या नहीं वेदर इट इज़ फॉर यू आर नॉट और हम थोड़ा सा इसको ना हाई लेवल माइक्रो लेवल एनालिसिस करेंगे कि ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वॉट इज़ इट लुक लाइक इन दी एस एस राइट सो विदाउट फर्दर एड्यू हम सिलेबस पे डायरेक्टली जम्पें नहीं करते मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस येस एस में इसकी जगह कहाँ पर बनती है सो इट इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ एन वन ऑफ़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स राइट ये जो है एक हंड्रेड मार्क्स का एग्ज़ाम होता है यूजली सो दैट हंड्रेड मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और ये आपके ग्रुप थ्री के अंदर से आता है जिसके अंदर से यू कैन चूज़ वन सब्जेक्ट इसके साथ साथ नंबर वन पे वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव पब्लिक एड वी हैव गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इज ए वन ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम ग्रुप ग्रुप थ्री यूजली uh, जो uh, लोग इस ग्रुप में से कोर्सेज को सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ही कर रहे होते हैं या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा एंड पे जाके एम्फिसाइज भी करूँगा आपके पास आ कर के बिजनेस uh, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज़ यूजअली वन ऑफ द हाइस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स वाई बिकॉज द कॉन्टेंट इज वेटी ईजी टू अंडरस्टैंड आप जब ये पढ़े होते हैं ये रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है जब आप घर से बाहर निकलते हैं आप दुकानदार के पास जाते हैं तो पेपर में आप दुकानदारों से लेके मल्टा लेवल लाइक मल्टा नेशनल बिजनेस लाइक ओका कोला मैकडोनल्ड्स तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं कंपनीज हैं इनको आप बचपन से देखते आ रहे हैं राइट तो इनके एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं और ये बड़ी रेलिवेंट होती हैं और ये प्रटी मच लाइक अंग्रेज़ी अगर आपको लिखनी आती है तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल नहीं है और क्योंकि और अगेन एक और अच्छी बात बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है कि देर इज नो रॉन्ग आंसर कह लें अगर आप अपने पॉइंट को बुक के अलावा रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसको आप अपने वर्ड्स में समझा के अपने से एक एग्जाम्पल जो कि आपने कहीं नहीं पढ़ी उसको आप समझा सकते हैं तो यू नो योर गुड फॉर द एग्ज़ाम तो इसका मतलब यह है कि आप इसमें यूजली स्टूडेंट्स एटीज के अंदर स्कोर कर रहे होते हैं सेवेंटी टू एटी एटी फोर तक भी स्टूडेंट्स इसमें आराम से इजली स्कोर कर लेते हैं तो ये एक तो है लेकिन हम इसके ऊपर बाद में आएंगे कि वेदर बिजनेस स्टडीज इज़ फॉर यू आर नॉट राइट हम जल्दी से इसका हाई लेवल अगेन डिटेल सिलेबस आई एम श्योर पीपल हु आर इंटरेस्टेड वो आई की वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं मैं आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा जिसे हम कहते हैं अपनी जमा में कि थोड़ा सा समझा दें कि एग्जैक्टली exactly इसके अंदर बिजनेस स्टडीज़ का एंटायर सिलेबस लगता किस तरह का है राइट तो सबसे पहले इसके बेसिकली पांच मॉड्यूल्स हैं आपके कोर्स में आ, सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है मैनेजमेंट का मैनेजमेंट और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स इस तरह बनाया क्यों गया है और यूजुअली जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पर्टिकुलरली बुक्स होती हैं इसके अंदर इन्हीं तरह की डिविजन्स हो होती हैं कोर्स की और मैं आपको इसी लेक्चर में अभी ये भी बताता हूँ कि इस तरह क्यों है राइट तो सबसे पहला जो है हमारा मैनेजमेंट का ये हम एक हाई लेवल देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो किस तरह एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं पूरे बिजनेस को चला रहे होते हैं तो इसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है मैनेजमेंट को किस तरह के इश्यूज़ फ़ेस होते हैं इनकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती है इनकी कम्युनिकेशन चैनल्स किस तरह के होते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट तो हम मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं राइट right? तो सबसे पहले आ गया हमारे पास लेट्स से मैनेजमेंट मैं अभी शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ आपके पास राइट right? ये हमारे पास मैनेजमेंट आ गई अब यूजुअली एक बिज़नेस में चलें आप इसको बाकी के कोर्स इसके जो कॉन्टेंट्स हैं इसको हम दो मिनट के लिए इग्नोर भी करते हैं आप वैसे मुझे बताएं अपनी नॉलेज के हिसाब से कि एक बिज़नेस के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं आपने सुना होगा अक्सर राइट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं एक डिपार्टमेंट जहाँ पर आपके कोई दोस्त है आप काम भी कर रहे होंगे एक डिपार्टमेंट होता है यूजली कह लें एच का हमने बहुत नाम सुना हुआ एच का ह्यूमन रिसोर्सेज जो हायरिंग कर रहे होते हैं रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं फायरिंग भी कर रहे होते हैं तो एच का एक डिपार्टमेंट होता है एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अक्सर आपका कोई दोस्त अब आप कहते होंगे कि यार हम इस फ्लाह कंपनी में मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं मार्केटिंग में कह रहे हैं राइट तो मार्केटिंग भी एक डिपार्टमेंट होता है राइट इसके बाद एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी होता है जिसको हम ऑप्स भी कहते हैं लाइक शॉर्ट फॉर्म में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है और अक्सर आपके दोस्त यार इसमें भी काम कर रहे होंगे जो कि फाइनेंस होता है राइट सॉरी आई एम एक्चुअली न्यू टू दिस लाइक राइटिंग स्टाइल तो डोंट mind माई हैंड राइटिंग एच आर finance ऑपरेशन फाइनेंस ये क्या है? ये सब डिपार्टमेंट्स हैं एक बिज़नेस के और आपका पूरा कोर्स भी कुछ इसी तरह का है तो सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर जाके हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल है वो एच आर के बारे में है किस तरह रिक्रूटमेंट होती है किस तरह सिलेक्शन होती है स्टाफ की एक बहुत कॉमन सवाल जो सी में आ रहा होता है वो आ रहा था स्टाफ अप्रेजल्स के बारे में परफॉर्मेंस एवेलुएशन आप स्टाफ की किस तरह करते हैं अप्रेजल किस तरह करते है, उनकी हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर हम किस तरह कर सकते हैं एटसेट्रा एसेट्रा तो थर्ड जो हमारा मॉड्यूल है वो है मार्केटिंग का मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा मिसकनसप्शन है जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा नहीं हुआ या बिज़नेस पढ़ा नहीं हुआ पर्टिकुलरली वो ये समझते हैं कि मार्केटिंग जो है वो एडवर्टिजमेंट का नाम है बट मार्केटिंग एक्चुअली जो वो एक डिपार्टमेंट है जो कि एक बिजनेस को कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करता है तो ये वो चेन है ये वो लिंक है जो एक बिज़नेस का कंज्यूमर्स के साथ होता है तो इसके अंदर ख़ाली एडवर्टाइजिंग भी जाहिर है क्योंकि ये हो रहा है कंज्यूमर्स बिजनेस के बारे में जान रहे लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आती हैं हम इसके अंदर मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे कॉम्पिटन से स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे प्राइसिंग भी मार्केटिंग का ही हिस्सा आता है फाइनेंस का पर्टिकुलरली नहीं है प्राइस फाइनेंस के ज़मरे में होता बात है जब प्राइस सेट हो जाए उसके बाद बजटिंग इस सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं बट प्राइसिंग सेट किसने करनी होती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने करनी होती है क्यों करनी होती है क्योंकि यही मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट रिसर्च कर रहा होता है तो इनको कंज्यूमर्स के बारे में ज़्यादा पता है तो इसलिए ये एक मार्केटिंग का एक थर्ड मॉड्यूल है बड़ा मेजर मॉड्यूल है इसके अलावा ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस का एक पहले मॉड्यूल है सप्लाई चेन उसका एक पार्ट है इस मॉड्यूल को एफ ने भी दो में डिवाइड किया हुआ है एक इज़ ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब इसकी आप बात कर लें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा एंड देन सप्लाई चेन एज ए होल एक अलग ऑपरेशन के विद इन ही पार्ट होता है वैसे लेकिन उसको क्योंकि इट्स अ सेपरेट लाइक अ मेजर चंक ऑफ सिलेबस तो इसलिए सप्लाई चेन को अलग से भी कह सकते हैं इसको हम फोर ए और फोर बी करके अब आप पढ़ लें एंड लास्टली वी हैव फाइनेंस जिसमें नेसिससारि सारा कैलकुलेशन बेस नहीं होता बट होता भी है इसमें बहुत अच्छी तरह हमें पता चलेगा कि जी इनकम स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट्स क्या होती हैं उसको एनालाइज़ किस तरह करना है और नंबर्स से स्पेसिफिक ये थोड़ा सा है बट इससे आपने घबराना नहीं who are, who are math, तो है पीपल हु आर हु आर नॉट गुड एट मैथ उनको लगता है यार कैलकुलेशन से भागे और उस उनके लिए भी ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें बेसिक फार्मूलाज बेसिक बहुत बेसिक्स तक हम जा रहे होंगे और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह के सवाल से आपने किस तरह नंबर्स को एनालाइज़ करना है और कैलकुलेशन किस तरह करनी है राइट तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू था सिलेबस का आ, मैं बाकी के जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे तब मैं इसके डिटेल्ड सब टॉपिक्स में उसके बारे में बाद में बात करूँगा राइट आ, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अच्छा मेरे हिसाब से जो जितनी भी मेरी पढ़ाने की मेथडोलॉजी रही है उसमें मैं तो सबसे पहले ये रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को मेरी सजेशन ये होती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को आपने चूज कर लिया है राइट right? अच्छा आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ कर लिया है तो सबसे पहले उसका एंड गोल देखें कि आपने अचीव क्या करना है राइट right? एंड पे तो आप यही चाहते होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को पास करना है या टॉप करना है या उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है राइट right? तो सबसे पहले बिफोर यू गेट इनटू द सिलेबस एंड ऑल आप सबसे पहले पास पेपर को तो उठा के देखें और इसके अंदर देखें जी कि किस तरह के सॉरी फॉर दैट किस तरह के सवाल आते हैं right? राइट uh, अब यही जानना क्यों जरूरी है कि जब भी आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं जब आपको पता होगा कि मैंने एंड पे करना क्या है तब आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें राइट उसके हिसाब से उस नज़रिए से फिर सिलेबस को कर स्टडी करें कि फिर देखें कि वेदर इट इज़ यप ऑफ योर नॉट राइट तो सबसे पहले हम एक पास पेपर को देख लेते हैं इसमें अगेन यूजली ट्वेंटी मार्क्स का एक आपका एम सी क्यू होता है इसमें हम बाद में आएंगे मेजरली इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर आपको टोटल तकरीबन सात क्वेश्चन दिए होते हैं पेपर टू में जो एटी मार्क्स का आपका एग्जाम है सेवन क्वेश्चन दिए होते हैं क्वेश्चन मान इज ऑबियसली और एम सी क्यू वाला और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर टू से राइट right? तो तीन ये क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट पेज पर भी हम देख लेते हैं uh, चार ये uh, तीन से चार आपको ये क्वेश्चन भी दिए होते हैं राइट right? तो इसके अंदर से जो आपको एफ पी एस सी कहता है कि आपने खाली फोर क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं राइट चार क्वेश्चन आपने टोटल इसके अंदर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ सेवन क्वेश्चन तो आपके पास ऑप्शन है तीन सवाल छोड़ने के राइट right? तो हर क्वेश्चन जो है ट्वेंटी मार्क्स है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हों जो आई एम नॉट श्योर इसमें है कि नहीं लेकिन हम आगे जाके देख लेते हैं बट एक हाई लेवल ओव कर लें इसके बारे में केस में है यूजली आपके पास इसके पास टू आवर्स थर्टी मिनट्स होते हैं बट अगर आप एम सी क्यू पेपर्स आ रहे जल्दी रिसोल्व करें कर लेंगे अपना तो आपके पास यहाँ प्लेंट्री ऑफ टाइम टू यू नो सॉल्व दिस एग्ज़ाम एक चलिए हम पहले क्वेश्चन से रिव्यू करते हैं फिर हम आगे जाते हैं ऊपर uh, ऊपर से बताऊंगा अभी आपने हाई लेवल सिलेबस को देख लिया जैसे ये कहता है क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन सप्लाई चेन राइट ये सप्लाई चेन का सवाल है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सवाल है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह चेंज से इंट्रोड्यूस जब आप करोगे प्रोडक्ट तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी जब वो ग्रो कर रहा होगा किस तरह स्ट्रेटजी चेंज होगी मैच्योरिटी में डिक्लाइन में एट्सेट्रा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे Uh, फिर इसके अंदर ये मैंने आपको बताया था अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एच से रिलेटेड एक टॉपिक है फिर डिसीजन मेकिंग ये मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट लास्ट क्वेश्चन इसमें आई बिलीव फाइनेंस का आया था या क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ फ्राम फाइनेंस या आपको एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट एट्सेट्रा दी हुए वो वो आपको कह रहा है करंट रेशो को एक रेशोज एटसेकट्रा करें बहुत आसान है करंट एसेट्स हो करंट लाइबिलिटीज लाइक सिंपल सिंपल आपको डेटा दिया है आपने सिर्फ इसको फार्मूलाज मिला के निकालना है राइट right? सो so, इस तरह का एक पेपर होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं आपके और आपने टोटल चार क्वेश्चन ट्वेंटी 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 एटी मार्क्स के लिए अटैम्प्ट करना है अगर जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सिक्स आ रहा है इसके आप देखें पार्ट ए और पार्ट बी है ईच ऑफ टेन टेन मार्क्स राइट तो अगर आप क्वेश्चन सिक्स और सेलेक्ट करते हैं नेचुरली आपने जाहिर सी बात है क्वेश्चन सिक्स के ए और बी पार्ट दोनों सॉल्व करने हैं अब इसका यूजली आपका ये दबाव में सवाल होगा कि यार ट्वेंटी मार्क्स के लिए कितना लंबा आंसर लिखना ज़रूरी है कितना कंटेंट इसमें डालना है तो यूजुअली कन्वेंशन ये है कि आप तकरीबन फोर पेजेस फोर पेजेस का मतलब है एट डिफरेंट साइड्स राइट सो ईच पेज हैज़ टू साइड्स तो आप तकरीबन चार पेजेस एट साइड्स का लिखें तो दैट इज़ गुड इनफ राइट इसके अंदर तकरीबन छः पेजेस सॉरी छः साइड्स सेवन साइड्स एट साइड्स कैन वर्क डिपेंड ऑब्वियसली लेंथ के ऊपर खाली नहीं कर रहा होता आपके क्वालिटी ऑफ़ आंसर्स के ऊपर भी कर रहा होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसमें स्ट्रक्चर किया हुआ है किस तरह हेडिंग्स डाली हुई हैं डायग्राम्स अगर अप्लाई होते हैं आप बेश डाइग्राम्स को भी खोलें हम इस्तेमाल करें तो ये बड़ी चीज़ है यूजली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च और जिसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज़ में जनरली तीन चार किस्म की चीज़ें बाय द वे टेस्ट हो रही होती हैं तो जब आपने इस कोर्स को पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको देख रहे होते हैं कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है कि नेचुरली कि अगर आपने बिजनेस पकड़ा है और आपने मैनेजमेंट या लेट्स से मार्केटिंग का यूनिट पढ़ा था तो इसके अंदर एक टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो आपको पता भी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि नहीं क्या होता है या नहीं क्या नहीं होता राइट right? तो आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है दूसरा ये कि एप्लीकेशन क्योंकि उन्होंने सवाल क्या दिया हुआ है उन्होंने सवाल दिया हुआ है कि जी डिफरेंट स्टेजेस में मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह होती है तो आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी आप कोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं तो जो आपकी नॉलेज है सिर्फ ये रटा लगा कर आए हैं या एक्चुअली इसको समझ के अप्लाई भी कर सकते हैं फिर एनालिसिस आपका कैसा है एनालिसिस का मतलब है कि आप एडवाटेज डिसएडवानटेज की बात कर लें खाली आप उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन किस तरह करते हैं आ, उस पॉइंट्स को आप बिल्ड अपॉन किस तरह करते हैं लास्टली एवेलुएशन भी एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है एवेलुएशन बेसिकली आपको क्या बताती है कि आप अपने आंसर्स को ही एवेलुएट करके अपना एक तौर और बताएं कि अच्छा यार ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं शॉर्ट टर्म में शायद ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद इसकी डिफरेंट एप्लीकेशनस हों या फिर दीज आर ओनली सम ऑफ द फैक्टर्स एंड देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल या फिर आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो मैंने बताए हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले बिजनेस को ये देखना है और इसलिए ये देखना है और फिर वो आगे चले एटसेट्रा तो आपने अपने आप को आंसर्स को कंक्लूड करते हुए या अपने इवन डिफरेंट पॉइंट्स को तो कंक्लूड करते हुए एक मेच्योर सी डिस्कशन देनी है जो कि बाय द वे आपको किसी किताब में शायद ना मिल सके तो इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है और ये मैं आपको साथ साथ कराऊंगा मैंने बल्कि इस पर थोड़ा सा डी कोड इस पर किया हुआ है कि मैं आपको पाँच से छः डिफरेंट लाइन आइटम्स दूंगा जिसको आप हर क्वेश्चन के अंदर मोर और लेस नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं तो ताकि आपका ये पार्ट भी हो जाए बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कम अप विद योर सेल्फ राइट तो आपने ख़ुद ही इसको देखना होता है तो अब आपको शायद अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्वेश्चन पेपर भी किस तरह का आता है पास पेपर किस तरह का आता है राइट right? नेक्स्ट uh, हम अपने स्टेज की तरफ चलते हैं इस कोर्स की स्टिंग मेथोडोलॉजी हमारे साथ किस तरह सेट की हुई और मैंने किस तरह इसको प्लान आउट किया हुआ है हम नेचुरली वन मॉड्यूल एट अ टाइम लेके चलेंगे मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे एच पे जाएंगे मार्केटिंग एट्सेट्रा तो फाइव मॉड्यूल्स को हम कवर कर रहे होंगे हम इसको पार्ट वन और टू क्योंकि द सिलेबस इज जिले लेंथ थी तो हम इसको मैनेजमेंट वन मैनेजमेंट टू कहेंगे फिर मार्केटिंग वन मार्केटिंग टू कहेंगे सो वन एंड सो वर्ड एक मॉड्यूल खत्म करेंगे फिर अगले मॉड्यूल पे जाएंगे मॉड्यूल की जो सिलेक्शन है कि पहले कौन सा पढ़ेंगे बाद में करेंगे आ, वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जैसे फाइनेंस है, है तो मैंने जान के उसको बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है कि जब आप सारी चीज़ें पढ़ लें उसके बाद आके फाइनेंस के अंदर आए ताकि हम सब चीज़ों को ही नंबर से रिलेट करेंगे एंड पे राइट right? तो किस तरह लेट्स से यूनिट फोर के लिए यूनिट टू का पढ़ा होना जरूरी है तो हम वन मॉड्यूल एट अ टाइम लेके चलेंगे ताकि हम जम्बल अपना करें कोर्स को आ, इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको रेगुलरली अपडेट होते हुए मिलते रहेंगे आ, क्विक रीडिंग्स जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा नेसेसरी जरूरी है वो आपके लिए भी आ, मैं अपलोड कर दूँगा विद दिस सब टॉपिक्स बट इसके साथ साथ आपको भी रिकमेंडेशन ये है कि आ, जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो इसको मल्टीपल बुक्स और रिकमेंडेड चीजिस की बुक्स हैं और उसके अंदर लाजमी कुछ रीडिंग मटीरियल डाल के अपने जो आप नोट्स कंपाइल करेंगे मेरी रीडिंग्स और हमारे पापॉइट लेक्चर्स के अलावा वो आप अपनी भी कुछ इंग्रीडियंट्स के अंदर ज़रूर डालें हम केस स्टडीज़ को भी कोशिश मेरी ये पूरी है कि हम लोग ज़रूर रिव्यू करें कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ के ऊपर हर यूनिट से कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करके कर लें ताकि जहाँ से भी सवाल है तो आप उसको एक यू you नो know, एक प्रॉपर ऑथेंटिक इन डेप्थ साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करके भी बता सके नेचुरली अगर तो होता हो और जब भी आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे उसके एंड पे एक क्वेज अपलोडेडेडेडेडेड होगा या एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके एंड पे एक क्वेज अपलोडेड होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज एंड यू नो आ, ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकें और जब हम ये पांचों मॉडल्स कर ले कर रहे होंगे तो कर चुके होंगे सॉरी उसके बाद हम पास पेपर प्रैक्टिस की तरफ़ जाएंगे जहाँ पे मैं एक्टिवली आपके सामने बैठ के सवालों की रफ आउटलाइन भी बनाऊंगा और उसके फाइनल आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा तो ताकि आपको पता चले और बल्कि मेरी कोशिश होगी कि हम और भी सी एस बीज को इनवाइट करके उनके साथ बैठ के भी ये सेशंस करें आ, ताकि आपको अच्छे तरीके से सिर्फ़ एक बंदे का नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों का व्यू मिले कि अगर वो होते तो इस सवाल को किस तरह टैकल uh, करते और किस तरह उसको अटैम्प्ट करते और कर, फाइनल टेक्स किस तरह का लगता राइट right? तो ये मेथडोलॉजी कमिंग टू द वेरी लास्ट स्लाइड एंड द लास्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ टू डेज यू नो ओवर व्यू लेक्चर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए है कि नहीं है अगेन दैट इज़ अ डिसीजन फॉर यू टू टेक ऑब्वियसली बट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ गिविन द लाइक लॉट्स ऑफ दट आई टॉक टू एंड वेदर आपके लिए कोर्स सुटेबल है कि नहीं है सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो लोग बिज़नेस या सोशल साइंसेज बेशक उन्होंने बी बी ए या बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ लेकिन वो सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड में से हैं लेट्स से यू नो फाइनेंस के से हैं कहीं से भी हैं या uh, उधर से हैं लेट्स से इकनॉमिक्स वगैरह की डिग्रीज़ के थ्रू भी हैं तो उनके लिए तो रिकमेंडेड है मेरी पर्सनल यू नो सजेशन है कि आंखें बंद करके आप ये कोर्स लें क्योंकि आप ने मोरलेस ये सारी चीज़ें uh, देखी भी हुई हैं पढ़ी भी हुई हैं डिफरेंट कोर्सेज़ की शक्ल में पढ़ी होंगी लेकिन इट इज़ दिस कोर्स विल बी पीनट्स फॉर यू पीपल आर फ्राम साइंसिज या इंजीनियरिंग बैकग्राउंडस नैचुरली थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में या मैथॉटिकल या साइंटिफिक अप्रोच को लेके चल रहे होते हैं बट सिंस आई मीन टीचिंग बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्वाइट अ बेट नाउ मैं इजिली ये बात कह सकता हूँ कि इवन पीपल फ्राम दाइंस बैकग्राउंड उनके दे फाइंड बिजनेस स्टडीज़ वेरी ईजी ये बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन की तरह मैं इस कोर्स को लेके चल रहा जिसमें आपको बड़े आराम आराम से कॉन्सेप्ट का बता रहा हूँ जितनी डेफिनेशन जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास डॉक्यूमेंटेड आएंगे आपने उनको पढ़ने एंड बिल्ड अप ऑन एंड देन इट्स स्टोरी टेलिंग राइट आपने एक पॉइंट से दूसरे को कनेक्ट करना है जो मैंने आपको नॉलेज एप्लीकेशन एनालिस बताया था उसकी टेक्निक आप समझें तो दिस कोर्स इज लाइक वेरी इजी फॉर यू गाइज एज वेल द ओनली कॉन दिस कोर्स है कि इसका सिलेबस जो है वो बड़ा थोड़ा सा लेंथी है देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर लेकिन हैविंग सेट दैट अगर आप उसको लेर ऑन स्टार्ट करें तो ये बड़ा इजिली मैनेजेबल भी है एंड इट इज़ वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल लेंथ ज़रूर है लेकिन समझने के लिए आ, काफ़ी आसान है uh, मुझे लगता है पर्सनली कि आपकी सर्विस वेन एन एफ इन शाह यू बिकम सी एस पीज और आप जब पब्लिक सर्विस में जाएंगे तो ये बड़ा रेलिवेंट भी है क्योंकि आप लेट्स मिनिस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं या फिर डिविजन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप फील्ड पर भी काम करें तो आपका बहुत से लेना देना होगा बिजनेसिस से राइट तो आपको समझ होनी चाहिए कि यार वो बिजनेसेस किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं किस तरह चल रहे हैं अगर आप एक मिनिस्ट्री का भी पार्ट है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूर होंगे और ऑर्गेनाइजेशन हमारा पहला टॉपिक ही है बाय द वे राइट तो ये बड़ा रेलिवेंट है आपकी सर्विस से और ये थ्रू आउट योर और सर्विस शायद आपको काफ़ी ज़्यादा असस्ट भी करेगा एंड लास्टली अगर हम बिल्कुल एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो कहाँ यह जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द हाइस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स राइट बिकॉज बाई द इट इज ईजीली अंडरस्टैंडेबल और पेपर को अटेंट करने का एक सर्टन तरीका है वो तरीका हम इनशाला इस कोर्स में प्रैक्टिस भी करेंगे सो दैट डिसीजन अगेन इज़ फॉर यू टू टेक आई एम हेयर टू असिस्िस्ट यू थ्रू आउट दिस जर्नी और हम लोग इनशाला तला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम मैनेजमेंट द फर्स्ट मॉड्यूल उस पर स्टार्ट करेंगे एंड दैन वी केन टेक इयर फॉर फ्राम देर इनशाला चलो दैन टेक केयर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़